स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशनल चैनल, यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशनल चैनल। हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, बस ये वाइंड अप होने वाला है। उसके बाद स्टूडेंट के कमेंट्स थे कि कंसाइनमेंट का चैप्टर स्टार्ट करवाया जाए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम करवा रहे हैं। ठीक है, मेन मेन चीज़ें करवा रहे हैं जो आपको एग्जाम्स में आनी है। अगर आप उसको अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर वो जहाँ मर्जी से भी सवाल उठा के देना तो आप इजीली कर लेंगे। चलिए सवाल करते हैं स्टार्ट। अपना ये बुक मेरे पास पढ़ी है, अगर नहीं भी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नहीं होता इस बुक से, लेकिन ज़्यादा पेपर ज़्यादातर यहाँ से आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन वो क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, अमाउंट चेंज कर देते हैं, मंथ चेंज कर देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। डेप्रिसिएशन के दो मैथड है, तो दो ही मैथड है, सिर्फ नाम चेंज है उनके। ठीक है, तो मेरे पास ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप उसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी अच्छी तरह से जो है क्लियर हो जाए कि क्या है। अच्छा, 5 में क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी परचेज्ड मशीनरी। एक कंपनी है जिसने मशीनरी परचेज की है और उसकी अमाउंट कितनी है, 1 लाख। कितनी अमाउंट है, 1 लाख। एंड डेप्रिसिएशन रेट इज 10% पर एनम, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है वो कितनी है, 10% पर एनम। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आप लोगों ने क्या करना है, 5 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है, सेकेंड। अब यही चीज़ आपको करवानी थी, पहले जितने मेथड करवाए थे वो फर्स्ट मेथड थे, अब हम आपको करवा रहे हैं सेकंड मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड में और फर्स्ट मेथड में क्या फ़र्क होता है, तो अपना क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, बहुत इजी है। एक दफ़ा फिर देख लें, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मशीनरी का अकाउंट बना रहे तो मशीनरी का ही आप उसको बनाएंगे, ऊपर आप मशीनरी लिखना है, नाम ही लिखना है इसके ऊपर। ये परफॉर्म वही है, हर चीज़ अभी ईच एंड एवरी थिंग इज सेम। ये देखिए मशीनरी अकाउंट है, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है, ठीक वही चीज़, डेट, ठीक है, फिर डिटेल्स है, बहुत इजी वे समझा रहे हैं, फिर रुपीस है, फिर डेट है, फिर डिटेल्स है, और फिर रुपीस है। ठीक है, क्या करना है आपने, इसके नीचे लाइन लगा लेनी है। अभी भी जो स्टूडेंट है जो देख रहे हैं, बल्कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि अगर आपने कोई अच्छी चीज़ सीखी है तो आप दूसरों को भी गाइड करें, हो सकता है कि आपकी वजह से वो भी आगे बढ़ सके। तो मैंने आपको बताया ना कि अच्छी बात किसी को बताना या उसको फैलाना एक सदका जारी है, तो इसमें ज़रूर आप शिरकत करें। ठीक है, और अच्छा गाइड करें, गलत गाइड ना करें। यहाँ पर जो हमारे माशरे में ये होता है कि गलत गाइड करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ मिली और आपको उसको फ़ायदा हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप दूसरों को भी बताएं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो चीज़ आपको मिल रही होती है आप दूसरों को गलत गाइड करते हैं। हर ने अपने अपने तरीके से पाना है। ठीक है, ये साइड हमारी डेबिट है और ये साइड हमारी क्रेडिट है, क्लियर। मशीन की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, मशीन की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आपके पास मशीन की वैल्यू थी और डेप्रिसिएशन रेट आपके पास कितना दिया था, 10%, और आप लोगों ने कितना निकालना था, 5 ईयर। वही सेम है मेथड है, अगर उसने आपको कोई मंथ नहीं दिया तो हम खुद ही कंसीडर कर लेते हैं। ये देखें 2001, आपको सिर्फ इसमें ये चीज़ बतानी है कि जब भी कोई सेकंड मेथड से क्वेश्चन आए डेप्रिसिएशन का तो उसको कैसे करना है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस समझे कि कोई मसला ही नहीं है। 1 जनवरी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आप मशीन खरीदते हो तो मशीन कैश में खरीदते हो, मशीनरी टू कैश अकाउंट होता है। लेकिन एक चीज़ बता दें कि जिसका हम अकाउंट बना रहे थे उसका नाम नहीं आता, जिसकी वजह से वो हो रहा था उसका नाम नहीं आता। यहाँ पर आपका कैश अकाउंट आएगा, साथ साथ देखते जाए। ये जी 1 लाख यहाँ पे आ गया। अकाउंटिंग पीरियड आपका 31 दिसंबर को क्लोज होता है, ऊपर लिख लें चाहे नीचे लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन आपके क्या है सेकंड मेथड में, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना सिंपल है, यहाँ पर आप लोग बता देते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। कोई भी पॉइंट कंफ्यूज कर रहा हो तो सीधा कमेंट करें, यह हमारा ईमेल आईडी भी नीचे दिया गया होता है, yarpod77@gmail.com, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक ग्रुप फेसबुक पर है, आप वहाँ पर भी आके जो है हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर उस वक्त नहीं भी होता तो रात तक आपको सबके कमेंट्स के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी क्या करेंगे, देखें सेकंड मेथड दिया हुआ, लेकिन आगाज हमने पहले क्या करना है, इसका 10% लेना है। ठीक है, 10% दिया तो आपके पास क्या आ गया, 10,000 आ गया। 10% दिया तो 10,000 आ गया। अब देखिए इन दोनों से कौन सा साइड बढ़िया आ गया, आपकी डेबिट है, सिंपल सी बात है। ये देख लें परफॉर्मे को गौर से देखिए कैसे बना जा रहा है, 1 लाख, ये 1 लाख यहाँ पर भी आ गया।
अब 1 लाख में से आपने 10,000 निकाल दिए तो आपके पास क्या आ गया 90,000। ये जी ये आपके पास क्या है बैलेंस कैरी डाउन। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और इस बैलेंस को हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ आ गई। ये देखें वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं। 5 साल का काम का है ठीक है, अगले साल भी आ जाए 2002 में 1 जनवरी जो बैलेंस आपका आया। अब यहाँ से आपको चीज़ समझानी है, ये देखिए बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या है, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका आया है 90,000। क्या है 90,000 आया ठीक है। इसका आपने क्या करना है काउंटिंग पीरियड जो क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर ठीक। अब आते हैं दो है ठीक है डेप्रिसिएशन। अब यहाँ से चीज़ आपको समझानी है, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है सेकंड मेथड ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड मेथड में अच्छी तरह से फ़र्क कर ले। देखिए 1 लाख रुपया अगर तो मेरे पास फर्स्ट मेथड होता तो मैंने क्या करना था, मैंने इसकी दफ़ा एक ऊपर डेप्रिसिएशन निकाली कितनी की, देखिए 10,000 की निकाली है, तो दूसरे साल भी मैंने क्या करना था 10,000 ही नहीं थी क्योंकि फिक्स होती है पहले मेथड में आपकी डेप्रिसिएशन फिक्स होती है। लेकिन आप सेकंड मेथड में आपने ऐसे नहीं करना, सेकंड मेथड का रूल ये होता है कि जो बैलेंस आपका निकलता है उसी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। फिर से कह रहे हैं जो बैलेंस आपका ये वाला निकलता है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है, हर बार जो बैलेंस निकलेगा उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है। इसलिए सवाल आपको करके दिखाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप देखिए मेरे पास बैलेंस क्या है 90 लाख, अब 90,000। अब मैंने 90,000 का क्या करना है 10% करना है, मैंने 1 लाख का नहीं करना है क्योंकि सेकंड मेथड का रूल यही है कि जो बैलेंस आएगा उसी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है ठीक है। अब ये किया मैंने उसका 10% किया तो मेरे पास क्या आ गया 9 लाख ठीक। ओह 9 लाख, 9 लाख नहीं है 9,000 है ठीक है, आप भी ध्यान लिख देना। ये देखिए अच्छा टोटल मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर क्या है 90,000, यहाँ पर भी 90,000 क्लियर। ये साइड बड़ी आ रही, सिंपल सी बात है जो साइड बड़ी आएगी दूसरी साइड से माइनस हो जाएगी। 90,000 में से आपने 9,000 को माइनस किया तो आपके पास आ रहा है 81,000। तो ये आपका पास क्या आ गया है बैलेंस कैरी डाउन दूसरे साल का। ये जो मैंने किया ना ये सिर्फ समझाने के लिए किया, अगर आप ना भी करना चाहें तो जस्ट कैलकुलेटर में करके उसको निकालें, नंबर नंबर कोई नहीं कटेंगे ठीक है। ये दूसरा भी आ गया, अब तीसरे में भी जाते हैं। अच्छा अगर आपको कोई डेट बनाना दिया तो आप उसे ज़ूम कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपको दी भी है तो फिर आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ये जी 1 जनवरी 2003 ठीक है, बैलेंस कौन सा आया आपका, अब आया है 81,000। अकाउंटिंग पीरियड आपका क्लोज होता है 31 दिसंबर को। अब आप जो बताएंगे डेप्रिसिएशन किस पे लेंगे, जाहिर सी बात है जो बैलेंस आपका है बैलेंस इस पर आपके पास क्या है 81,000, आपने क्या करना है 81,000 का क्या करना है इसका 10% करना है ठीक है। जब इसका 10% करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8,100 ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये जी साथ साथ कर लें क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं है ठीक है। आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ये साइड बड़ी आ रही है आपकी, इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा, डेबिट में से क्रेडिट वाली साइड को माइनस किया तो आपके पास आ रहा है 72,900। ये जी बैलेंस कैरी डाउन, इसको भी मैंने हाईलाइट कर लिए। 3 साल के आपके पास निकल आए हैं ठीक है। उसने हमें कितने साल का कहा है, उसने आपको कहा है कि आपने जो है 5 साल के बनाने, फर्स्ट 5 ईयर्स के बनाने, तो अच्छी तरह से फिर आपको मेंशन करवाते हैं। ये देखिए ये साइड ठीक है, ये पहले साल का बैलेंस है, उसके बाद भी नीचे आ जाए, ये मेरे पास दूसरे साल का है, ये बैलेंस आया है ठीक है, उसके बाद ये इस तरह, उसके बाद 2003 का बैलेंस कैरी डाउन, ये जी 3 साल का निकल गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसको मैं रेस करने लगा हूँ ठीक है। जो सा पॉइंट क्लियर नहीं होता उससे ज़रूर पूछें, हम आपको लाजिम बताएंगे, हम बैठे हैं इसलिए ताकि स्टूडेंट की जो है ना वो हेल्प कर सकें हर चीज़ के मामले में। और वैसे भी ध्यान कहीं पाने लगे, आप हमारी वीडियो में हर किस्म के लेक्चर को देखिए, ईजिली जो है तैयारी कर सकते हैं, किसी कैंडिडेट ट्यूशन जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको ठीक है। ये चीज़ समझ आएगी तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, आपको हम बार बार कह रहे हैं जी। अच्छा मैंने 2003 का बना लिया, हमारे पास सिर्फ 2 अकाउंट आएंगे जो मैंने बनाने हैं। यहाँ पर जो है 1 जनवरी, ये देखिए 1 जनवरी 2004 1 जनवरी ठीक है, एक मिनट आ रहे हैं, ये 1 जनवरी है
पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट भी लिख सकते हैं. मेरे पास बैलेंस क्या आया था यहाँ पर, बैलेंस आपका है ब्रॉड डाउन मेरे पास आया था 72,900. ठीक है, आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है 31 दिसंबर को. अब डेप्रिसिएशन हमने किस पे लेनी है, डेप्रिसिएशन हम किस पे लेंगे, सिंपल सी बात है जो बैलेंस हमारे पास आया है इस पे लेंगे हम डेप्रिसिएशन. ये इसलिए आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट कैलकुलेटर पे करके भी ना आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये जी 7,290 ये वाली साइड बड़ी आ रही है. ठीक है, ये वाली साइड छोटी है, जो साइड बड़ी आती है दोनों जगह पर वही अमाउंट लिखी जाती है. अब इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 65,610 यानी 65,610. ये आपका क्या आ गया, ये बैलेंस आपके पास आ गया, बैलेंस कैरी डाउन. ये रह जी 4 साल का बैलेंस भी आपके पास आ गया. अब मेरे पास सिर्फ एक रह गया अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट रह गया, वो मैंने बनाना है. ये रह जी 2005 1 जनवरी, बहुत ही सिंपल है. बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या है आपके पास, 65,610. अकाउंटिंग पीरियड आपका क्लोज होता है 31 दिसंबर को. डेप्रिसिएशन आपने लेनी है. अच्छा, अब डेप्रिसिएशन किस पे लेनी है, सिंपल सी बात है, ये बैलेंस आपके पास आया इसी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है. तो ये आ जाएगा 6,561, कार्ड भी कहते हैं इसको. ये साइड आपकी बड़ी आ रही है, ये यहाँ पर भी लिखी जाएगी, ये यहाँ पर भी लिखी जाएगी. क्लियर. अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना है, हमने बैलेंस निकालना है. ज़ाहिर है आपकी डेबिट साइड बड़ी आ रही है, तो डेबिट साइड जब दूसरे में से माइनस होगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 59,049. ये जी 5 साल का अकाउंट आपका बन गया है और यही आंसर आया, आप बुक से मैच भी कर सकते हैं. एज इट क्लियर है, फिर अच्छी तरह से देख लें. ठीक है, और ये साइड, तो ये हमारा क्या है, सेकंड मेथड है. और जब आप पूरा परफॉर्मा बना लेंगे ना, आपने इसको पूरा ऐसे बंद करना है, पूरा डब्बा लगा के नीचे नहीं, जिस तरह एक्स्ट्रा लाइन होती है बास की बात जाती है, ये काम नहीं करना है आपने, पूरा पूरा आपने इसको जो है बंद करना है. बेहतर ये कि साथ साथ लाइन लगा कर लिए जाएँ. तो ये बहुत ईजी और सिंपल सवाल है और एक सवाल इसमें से आ जाता है, और अगर आप कर ले तो 20 नंबर आपको वैसे मुफ्त के मिल जाते हैं. तो मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है. ठीक है, अगर आपको कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं, उसके अलावा फेसबुक पे भी भेज सकते हैं, नीचे इसके लिंक दिए हैं आप देख सकते हैं. और इन चीज़ों को क्या करना है, आपने अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है. ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको शेयर करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.